नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक बार जस्ट स्टार्टअप में। जी हाँ, आज का एम्बियंस आपको चेंज लग रहा होगा। आज हम एक ऐसे रेस्टोरेंट में मौजूद हैं जो कि काफ़ी मशहूर रेस्टोरेंट है। तो आज हम मिलने वाले हैं इस रेस्टोरेंट के ऑनर से और जानेंगे उनका सफ़र कि किस तरीके से उन्होंने इस रेस्टोरेंट को सक्सेसफुली रन किया है। सो स्टे ट्यून्ड। नमस्कार, स्वागत है एक बार आपका फिर से जस्ट स्टार्टअप में। जी हाँ, आज हम मौजूद हैं एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट में और जानेंगे कि किस तरीके से ये रेस्टोरेंट फेमस हुआ। आज हमारे साथ है मिस्टर मोहित जैन जी, जो कि इस रेस्टोरेंट के ओनर है, और उन्हीं से हम जानेंगे उनकी सफलता का राज। वेलकम है सर, सबसे पहले आपका। वेलकम आपका भी पहले हमारे रेस्टोरेंट में। थैंक यू सो मच सर। सर कितना टाइम हो चुका है आपके रेस्टोरेंट को? रेस्टोरेंट को 7 ईयर हो गया हमारे रेस्टोरेंट को। 2015 में हम लोगों ने स्टार्ट किया था इसको, एंड बैक टू बैक हम इसको एक टाइम पीरियड के अंदर चेंज करते रहते हैं। ओके, रिनोवेट आप करते रहते हैं। लाइक ये काफी फेमस रेस्टोरेंट है यहाँ का। सो 7 इयर्स आपको हो चुके हैं, उससे लाइक पहले भी आपका फूडिंग में ही था सर? नहीं, फूडिंग में इंटरेस्ट सिर्फ मुझे कुकिंग का शौक था, उस अकॉर्डिंग ये स्टार्टअप किया हम लोगों ने रेस्टोरेंट का। स्टार्टअप किया, ओके। एंड स्टार्टिंग में हम लोग 4 मेम पार्टनर थे हम लोग। एंड किसी को कैफे का शौक लगा कि कैफे खोलना है, मेरे को रेस्टोरेंट में हॉबी था मेरा, मैं रेस्टोरेंट टाइप किया उसके अंदर। एंड आफ्टर 2.5 ईयर बाद हम लोगों ने डिवाइड कर दिया था, पार्टनर्स ने रिमूव कर दिया, देन मैंने टेक ओवर किया पूरा। ओके ओके। सो कैसा एक्सपीरियंस रहा सर फूडिंग सेक्टर में? एक्सपीरियंस अच्छा भी था। देन फिर फूडिंग लाइन में ये कि जितना आप टाइम देंगे एक्सपीरियंस उसी से मिलेगा। ओके, राइट। जितना आप टाइम दे रहे हैं उस चीज को वही आपको सिखा रहा है, एंड वही आपको गिव अप एंड गेन कर रहा है उस चीज। राइट राइट जी। ओके, सो सर बेसिकली एक फूड एक बहुत बड़ा टॉपिक है वर्ल्ड वाइड, एक जीडीपी में बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि सब खाने के बहुत शौकीन होते हैं। सर आपको क्या लगता है कि लाइक जो ये फूड का दौर है, कैफे रेस्टोरेंट का दौर है, ये कितना परसेंट बढ़ा है पिछले कुछ सालों से? मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये है कि हम लोगों ने एक छोटा सा स्टार्टअप किया था जी। लेकिन डिमांड जो है आजकल आपको पता है जंक फूड का डिमांड जो बेसिक था पहले उससे काफी ज्यादा है जंक फूड का डिमांड। राइट, राइट। आपका कोई भी सेलिब्रेशन हो रहा है, लाइक बर्थडे पार्टी हो गया, एनिवर्सरी पार्टी हो गया, अगर छोटा सा भी इवेंट है तो वो कैफे में या फिर रेस्टोरेंट में ही सेलिब्रेट होता है। इस अकॉर्डिंग हम लोगों ने कुछ यूनिक नए डिशेज भी इंक्लूड किया उसमें, एड ऑन किया है सब कुछ जी। ओके, तो काफी चलन बढ़ा है। और सर आपको क्या लगता है कि आने वाले फ्यूचर में फूडिंग का क्या स्कोप रहने वाला है? स्कोप अब जो क्लाइमेट दिया जा रहा है, एम्बियंस बनाया जा रहा है रेस्टोरेंट का, वो बिल्कुल फ्रेंडली किया जा रहा है, लाइक यूथ को जो अट्रैक्ट कर रहा हो, साथ में आपके फैमिली क्राउड हो गया उसको अट्रैक्ट कर रहा हो। आजकल जो बेसिक थीम चल रहा है वो चल रहा है कि यूथ और आपका जो एक एजेड ग्रुप क्राउड है उन दोनों को साथ कैफे पे खाना, वो एटमॉस्फेयर हम लोगों ने भी डेवलप किया है। फ्यूचर इसका काफी अच्छा है। सो आपका सर एक्सपीरियंस लाइक किस तरीके से रहा कि आपने अपना सफर शुरू किया इसमें और आज हम देख सकते हैं कि काफी सक्सेसफुल ये नाम है, राइट? तो आपके रेस्टोरेंट का क्या नाम है सबसे पहले? रेस्टोरेंट का नाम फर्स्ट जो हमने स्टार्टिंग में रखा था वो चस्का कैफे एंड लॉन्च था। देन रेनोवेशन के बाद इसका नाम हमने लॉन्च हटाकर चस्का कैफे रेस्टो अजमेर के नाम से इसको मेंशन कराया गया। सर ये कैफे रेस्टोरेंट में क्या फर्क? कैफे रेस्टोरेंट में फर्क ये कि कैफे बेसिकली एक यंगेस्ट का जो क्राउड है उनके लिए रहता है, एंड रेस्टो का हमारा प्लान जो क्राउड है उनको भी टाइप करना था इसके अंदर। तो हमने एक ही प्लेस पर तीनों चीजों का एटमॉस्फेयर किया है इसके अंदर, जिसमें कैफे आ गया यंगस्टर्स के लिए, रेस्टो आपकी फैमिली के लिए हो गया, एंड यहाँ पर रूफटॉप भी है जो अभी डेवलप किया है नया नया। ओके, तो दोनों को आपने कंबाइन करके कैफे एंड रेस्टोरेंट। ओके, तो आपका जो ये एक हम मान सकते हैं स्पेस है वो कितना है लगभग रेस्टोरेंट का? स्पेस ये 3 फ्लोर में है ये कंप्लीट। फर्स्ट फ्लोर पे कैफे आता है यहाँ पर, सेकंड फ्लोर पर रेस्टो है, देन एंड टॉप पर रूफटॉप कैफे है। रूफटॉप है, ठीक है। लाइक सर अगर कोई रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर ऐसा एरिया होता है कि लाइक हमारी ऑडियंस है वो यही जानना चाहती है कि जो रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर मार्केट होता है जहाँ पर ही आप रेस्टोरेंट स्टार्ट करेंगे? कहीं पर भी आप स्टार्ट कर सकते हैं? रेस्टोरेंट आप कहीं भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ डिपेंड करता है कि आप कुछ नया कर रहे हैं, कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं उसके लिए। ओके, रेस्टोरेंट बेसिकली आज आपको हर एरिया मिलेगा, लेकिन जहाँ कुछ नया क्रिएटिव कुछ है अट्रैक्ट कर रहा है क्राउड को,
तो फोकस जो यंग क्राउड है उसका वहीं ज्यादा है रेस्टोरेंट पे। जैसे हमारा स्टार्टिंग हुआ बास्केट वाला जो कॉन्सेप्ट था वो अजमेर शहर में तो किसी के पास नहीं था। ठीक है, अजमेर में एक इस जगह है जिसे चटाई मोहल्ला कहा जाता है, वहाँ ये बास्केट बनते हैं और वहाँ से सप्लाई होते हैं पूरे राजस्थान के अंदर और इंडिया के अंदर। ओके, देन मेरा होम का जो एड्रेस है वो वहीं का है, उस साइड का ही, डिग्गी बाजार का ही। तो वहाँ से हमने इसको टाइप किया, वहाँ से उठाया इस बास्केट को, पहले ट्राई किया लगाकर, एक सूट किया वो, देन उसके बाद ये पूरा कम्प्लीट बास्केट में बनाया गया। एंड जो हम लोग का कैफे एरिया है वो पूरा रस्सी के अंदर बनाया गया, जूट की रस्सी जो होती है जी, जो चूरू में बनती है बेसिकली, वहाँ से मंगा के अंदर पूरा उसको डेवलप किया उसके अंदर। ओके, सो आप कह रहे हैं कि थीम मैटर करती है इसके लिए काफी। थीम मैटर करता है और यूनिक, जब आप सर्व कर रहे हैं फूड, आपका तरीका क्या है सर्व करने का फूड को, वो भी कुछ अट्रैक्टिव होना चाहिए, वो मैटर करता है। बिकॉज आजकल आपका फूड जब टेबल पे आता है वो खाया बात जाता है, पहले उसका फोटोज स्नैप वीडियो पहले बनाया जाता है, राइट, वही अट्रैक्टिव करता है सबको। तो ये ट्रेंड बन चुका है एक तरीके से, ट्रेंड बन चुका है। ओके, तो अगर कोई सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए क्या साबित हो सकता है, प्रॉफिटेबल? बिल्कुल प्रॉफिटेबल है, बट रेस्टोरेंट लाइन के अंदर आपका सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट चीज है वो है टाइम। रेस्टोरेंट को आपको टाइम देना पड़ेगा, आप ये नहीं कह सकते कि आप एक महीने बाद, दो महीने बाद, तीन महीने बाद ही आपका अर्निंग स्टार्ट हो गया। रेस्टोरेंट आपका टाइम मांगता है, टाइम मांगता है। जितना अच्छा करेंगे, जितना आप होल्ड करेंगे, पेशेंस रखेंगे, उतना ही अच्छा आपके रहेगा। ओके जी, सो आपके मेन्यू में क्या क्या आइटम्स? मेन्यू में हमारे यहाँ बेसिकली अभी चाइनीज है, कॉन्टिनेंटल है, इंडियन है, इटालियन है, थाई फूड है हमारे यहाँ पर, पिज्जा हो गया हमारे यहाँ पर, ये सब कम्प्लीट मील है, पूरा तंदूर हो गया, बीबीक्यू हो गया। ओके, ये सारी चीजें हैं। आपको सर ऐसा लगता है कि लाइक एरिया के अकॉर्डिंग फूड चॉइसेस रहनी चाहिए? एरिया के अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग तो एरिया के अकॉर्डिंग फूड चॉइसेस नहीं रहनी चाहिए, बिकॉज आप एक ही जगह पे आप मल्टी कुछ मेन्यू अगर सर्व कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट है, एक ही स्पेस पे अगर सब कुछ प्रोवाइड करवा सकते हैं तो आप कराएंगे, अदरवाइज अपने आप एक स्पेशलिटी लेके रखें वहाँ पे सक्सेस हो सकते हैं जी। ठीक है, अगर जैसे कोई रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाहता है तो ऐसे क्या इम्पोर्टेंट टूल्स होते हैं, लाइक ऐसी क्या चीजें होती हैं जिसकी रिक्वायरमेंट होती है? एक तो आपने बता दिया कि थीम बहुत इम्पोर्टेंट है, एक यूनिक थीम बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके अलावा ऐसी क्या क्या चीजें होती हैं जो एक रेस्टोरेंट चलाने के लिए इम्पोर्टेंट होती है? रेस्टोरेंट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपका लोकेशन मैटर करता है। अभी लोकेशन लाइक आप किसी कॉलेज के पास है तो आपका मोटिव हो गया कि मुझे यंग क्राउड को अटैच करना है, राइट? ठीक है, आपका अगर कैफे आप रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हैं, आप एक सिटी में खोलना चाह रहे हैं तो आपका मोटिव हो गया दोनों क्राउड, आपको फैमिली क्राउड भी चाहिए, आपको यंगस्टर भी चाहिए, आपको टीनेजर भी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज कितना आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट आप स्टार्टिंग आप लो से लो भी कर सकते हैं, हाई से हाई भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर वो चीज़ कि आप क्या बनाना चाह रहे हैं। एंड जितना हो सके आप उसको फ्रेंडली एटमोसफेयर दें वहाँ का जो अट्रैक्ट करे क्राउड को। एंड फिर आप उसमें स्टार्टिंग किचन में आप जितना कम से कम आइटम रखेंगे स्टार्टिंग में वो बेटर रहेगा, इंक्रीज कीजिए, क्लाइंट का डिमांड आएगा आप उसको इंक्रीज कीजिए अच्छे से, आप देन वही आपका प्रोग्रेस बिल्डअप करेगा। ओके, तो लाइक इन्वेस्टमेंट लगभग हम रेस्टोरेंट्स का कितना मान सकते हैं कि जो डाउन कम से कम आप करना चाह रहे हैं तो 2-4-5 लाख रुपए मिनिमम लगता है इनिशियल स्टेजेस, बिल्कुल स्टार्टिंग। ओके, स्टार्टिंग में इतने से स्टार्ट हो जाता है। ओके, और कितना अर्न कर सकते हैं हम मंथली? आप इसमें आप आपकी टेस्ट पे, आपकी सेल पे डिपेंड करता है, तो आप 50,000, 25,000, 30,000 ऐसा निकाल सकते हैं इस चीज का। ओके, तो मतलब इनिशियल स्टेजेस पे आपने जैसा कहा कि 50 तक हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। ओके फाइन, ओके ओके, सो होपफुली हमें काफी सारी चीजें क्लियर हुई है कि किस तरीके से हम अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर करने वाले हैं, जैसा भी आप सोच रहे हैं, तो ये वीडियो देख के काफी आपको हेल्प मिलने वाली है। तो अगर आपके कोई क्वेश्चन है सो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। जब तक ये वीडियो उन लोगों से शेयर करें जो अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाहते हैं और कुछ डिटेल्स जानना चाहते हैं, तो जब तक इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।